हेलो फ्रेंड्स, और एक नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मार्च 28 तारीख है। आज FIH हॉकी प्रो लीग में कोई मैच खेला नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं अप्रैल महीने की। तो क्या है सूचना, क्या है जानकारी, आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग हॉकी प्रेमी है। तो अप्रैल महीने में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप लोग जानना जरूरी है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे और इसके बारे में डिटेल्स में पता करते हैं। तो आप लोग हॉकी प्रेमी है, हॉकी के ऊपर जो भी सूचना आता है, जो भी खबर आता है, उसके बारे में आप लोग कहीं ना कहीं से पता कर लेते हैं, क्योंकि आपकी हॉकी के प्रति रुचि है। तो आप लोग जानते हैं 2021 अक्टूबर महीना से शुरू हो चुका है FIH हॉकी प्रो लीग, जो कि 2022 जून तक चलने वाला है। तो ये जो मैच हो रहा है FIH हॉकी प्रो लीग में, ये कंटिन्यूस मैच नहीं हो रहा है, ये हर महीने कुछ कुछ मैच हो रहा है, लगातार मैच नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अप्रैल महीना में जो मैच होने वाला है, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अप्रैल महीना में FIH हॉकी प्रो लीग 2021-22 में खेला जाएगा 30 मैच, जिसमें 14 मैच होगा मेंस वर्ग में और 16 मैच होगा वुमेन्स वर्ग में। तो ये इसी के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, कौन कौन सा टीम कौन सी तारीख में मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे, उसी के बारे में नज़र डाल लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए, तो विश्व के कई हिस्सों में FIH हॉकी प्रो लीग की मैच चल रहा है, जिसमें विश्व के चुने गए कुछ हॉकी टीम मेंस वर्ग में और वुमेन्स वर्ग में मैच खेल रहे हैं। और ये अप्रैल महीना में मेंस वर्ग में होगा 14 मैच, वुमेन्स वर्ग में होगा 16 मैच। तो पहले हम नज़र डाल लेते हैं वुमेन्स वर्ग की जो 16 मैच होगा उसी के ऊपर। तो वुमेन्स वर्ग में अप्रैल महीने में जो 16 मैच है उसी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो अप्रैल महीना का 2 तारीख में हैगा 2 मैच। तो पहला मैच होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, और दूसरा मैच होगा नेदरलैंड वर्सेस USA का। उसके बाद आ गई 3 तारीख को 2 मैच होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला मैच और दूसरा मैच होगा नेदरलैंड वर्सेस USA का। उसके बाद आ गई 8 अप्रैल को 1 मैच होगा इंडिया वर्सेस नेदरलैंड का। 9 अप्रैल को होगा इंडिया वर्सेस नेदरलैंड का मैच होगा। 16 और 17 अप्रैल को 2 मैच होगा अर्जेंटीना वर्सेस USA के बीच। उसके बाद आ गई 21 अप्रैल, 1 मैच होगा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच। 22 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। 23 अप्रैल को नेदरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 23 और 26 अप्रैल को 2 मैच होगा USA वर्सेस इंग्लैंड के बीच। 28 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन। 29 अप्रैल को होगा न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच। 30 अप्रैल को होगा न्यूजीलैंड वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन, या ब्रिटेन के साथ आप कह सकते हैं। तो ये थी वुमेन्स वर्ग में जो 16 मैच है उसी के बारे में बता दिया आपको। अब मेंस वर्ग में जो 14 मैच होगा उसी के ऊपर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो चलिए, तो अप्रैल महीने में मेंस वर्ग में होगा 14 मैच, उसका पहला मैच होगा 2 तारीख को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मेंस टीम के बीच। 3 अप्रैल को भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच। उसके बाद आ गई 8 और 9 अप्रैल को 2 मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस नेदरलैंड, जो कि पोस्टपोन हुआ था मार्च महीने में। उसके बाद आ गई 16 और 17, ये जो दो डेट है 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को 2 मैच खेला जाएगा अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के बीच। उसके बाद अप्रैल 21 न्यूजीलैंड वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच होगा। 22 अप्रैल को होगा न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हॉकी टीम के बीच मैच। 23 और 26 अप्रैल को 2 मैच होगा अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका के बीच। उसके बाद वही 23 तारीख को फिर से और एक मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन के साथ। उसके बाद 28 अप्रैल को न्यूजीलैंड वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन के साथ, 29 अप्रैल को न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा मैच,
और 30 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच होगा। तो मेंस वर्ग में 14 मैच होगा, वुमेन्स वर्ग में 16 मैच होगा, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बता दिया। लेकिन जब ये मैच होगा मैं आपको बारी बारी से हर दिन जो जो मैच होगा उसी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये थी अप्रैल महीने का जो FIH हॉकी प्रो लीग में खेला जाएगा 30 मैच, उसी के बारे में थोड़ा सोचना दे दी, क्योंकि आप लोग हॉकी प्रेमी है, हॉकी के बारे में नज़र रहता है, इसीलिए ये सूचना देने को उचित समझा। मुझे लगता है हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा, तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अमरेंद्र लाइव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा, तब तक लिए बाय बाय।